जहां पे सिरमौर थाना के तहत क्योटी जलप्रपात में सेल्फी के चक्कर में गिरने वाली महिला का शव बाहर निकाला गया है। अब शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज से एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए आया था, तो यहां पे जलप्रपात के किनारे फोटो लेने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और महिला सीधे गहरी खाई में जा गिरी। तो वहीं लगातार यहां पर होने वाले हादसों को लेकर पुलिस साइन बोर्ड लगवाने जा रही है। इस समय जिस तरीके से रीवा जिले में आसपास झरने हैं, वहां पर सैलानियों का भारी जमावड़ा लगता है, जिसके चलते पुलिस अब इन जगहों पर साइन बोर्ड लगवाने जा रही है, क्योंकि हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इन दिनों मॉनसून के सीजन में लोगों को खुद अलर्ट रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लापरवाही देखिए, कितनी महिला को अपने जान हाथ से जान गंवानी पड़ी है, और अब जाके महिला का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। अपना फोटो खिंचा रही थी, कभी छाता लेके कभी दुपट्टा लेके, हम थोड़ा पत्थर है वहाँ ऊपर से हम फोटो खींच रहे थे, वो कोने में थी, फिर कहीं अच्छा हम दुपट्टा हटा रहे, अब दुपट्टा हटा के फोटो खींचते तो अपना आगे बढ़ी, वहाँ पर सामान रखा था हम लोग का, छाता होता सब था वहीं पर, दुपट्टा जाके रखी और पीछे फिर आई, लेकिन पीछे उल्टे पार आ रही, हम भी फोटो देख रहे थे, हम दाई नज़र पड़ी कि तो दम कोने तक आ जा रही, तो हम तेज चिल्ला दिए थोड़ा कि पीछे देख के गिर जाओगी, वो पीछे आते आते पलट के देखी, उसी में बैलेंस नहीं कर पाई। इसके पूर्व भी मैंने सोशल मीडिया और आप लोग के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें, और आज पुनः कर रहे हैं और लगातार इस पे हमारा जो जन चेतना है वो चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है लोगों को, और इसमें हम और लोगों तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी रीवा और इसके आसपास क्षेत्र में काफ़ी लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। अभी मेरे संज्ञान में आया थाना गढ़ में कल बाहर से उत्तर प्रदेश से एक दंपत्ति आए थे, वो भी सेल्फी के चक्कर में उनके साथ हादसा हुआ, जिसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन उसमें अभी जारी है।